तो आज के हमारे इस क्लास में हम सीख रहे हैं वीबीए मैक्रो पावर प्रोग्राम। जी हाँ, एडवांस एक्सेल में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है वीबीए मैक्रोज पावर प्रोग्रामिंग, जिसमें आप सीखने जा रहे हैं लूप्स। जैसे कि रिपीटेड वर्ब के लिए हमें लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है कि कोई भी कोड को हमें, कोई भी एक एक्शन को हमें कई बार रिपीट करना होता है, तो उस केस में हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो लूप का इस्तेमाल, आखिर की लूप इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लूप के बगैर फिर काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो लूप इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना जरूरी भी है। तो चलिए सीखते हैं लूप के बारे में। तो लूप में हम यहां पे आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिए। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि लूप का इस्तेमाल होता है, और लूप का इस्तेमाल होता है कि आप जो है अपने इसका, अपने वर्क, जो भी आपके पास काम है, उस काम को आप लोग जो है इसके साथ, मतलब कि रिपीटेशन वाले काम को करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एक ही काम को बार बार अगर आपको रिपीट करना है, तो उस केस में हम लूप का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और जैसे कि मान लीजिए ना कि हम ये जो रिपीटेशन है, हम वीवीए के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्सेल के लिए नहीं, समझे। वीवी में आपको बार बार एक ही कोड को लिखना पड़ रहा है, वहां पे इसका इस्तेमाल होता है, राइट। चलिए एक मिनट, मैं अभी आपको बताता हूं कि कैसे। तो जैसे कि मैंने यहां पे एक कर लिखा नेम, और यहां पे लिखा सिटी, और यहां पे अमाउंट, और सिटी में मैं लिखता हूं पुणे, दिल्ली, पटना, जयपुर, और फिर यहां पे इसको हम टोटल करते हैं, और यहां पे इक्वल सम, और इसको सेलेक्ट करते हैं, और इसको हम फॉर्मेटिंग थोड़ा सा कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है कि ये जो हमने अभी लेवल, ये जो लेवल बनाया हुआ है, इसको मुझे मतलब कि ये लेवल है, एक लेवल है, और इसको मुझे कभी 5 कॉपी का चाहिए होगी, कभी 10 कॉपी चाहिए। मतलब कि इसको 5 चाहिए तो मैं इसे एक के नीचे एक 5 बार कॉपी पेस्ट करके फिर प्रिंट आउट निकालता हूँ। 10 बार चाहिए, 10 बार कॉपी पेस्ट करके प्रिंट आउट निकालता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो कॉपी है ये अपने आप, मतलब कि बार बार हमें रिपीट करना पड़ता है, तो ये वीबीए के थ्रू इसका कुछ अल्टरनेट दिखाया जाए। तो यहाँ पे लिखूंगा सब्जेक्ट आर आर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे बेसिकली कॉपी कैसे करेंगे, हम सिलेक्ट करते हैं रेंज ए से लेके C6, रेंज ए से लेके A1 से लेके C6, डॉट कॉपी, और पेस्ट कहाँ करना है, इसी के नीचे करना है, इसी के नीचे यहां पे करना है। तो रेंज हम यहां देते हैं 65,000 डॉट एंड एक्सेलस अप ऑफसेट, या 1 नहीं देगा, 2 देंगे, क्योंकि एक ब्लैंक रो भी छोड़ना है, और पेस्ट स्पेशल। तो अब क्या है कि अगर मैं इसको रन करूंगा तो सिर्फ एक बार कॉपी पेस्ट कर,
ठीक है, तो मुझे अगर 5 बार चाहिए तो मुझे इस जो हमने पेस्ट का कोड है, क्योंकि कॉपी तो एक बार करेंगे, हमें पेस्ट ही तो बार बार करना है, तो मुझे 5 बार करना है, तो मुझे 5 बार इस कोड को लिखना पड़ेगा या 5 बार इस मैक्रो को रन करना पड़ेगा, तब जाके ये हमारा मैक्रो 5 बार कॉपी पेस्ट करेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि ये तो काफी दिक्कत हो गई, क्योंकि अगर मुझे 10 बार चाहिए, 100 बार चाहिए, तो उतने बार लाइन को लिखना पड़ेगा। तो यही पे आपको मदद करता है लोग कि लाइन ऑफ कोड, जो भी आपका लाइन ऑफ कोड है, जैसे कि ये लाइन ऑफ कोड है, इस लाइन ऑफ कोड को मुझे 10 टाइम रन करना है, 20 टाइम रन करना है। तो इसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। हेलो, हाँ बोलो। ठीक, जरूर तो यहां हमारा इसको कैसे करेंगे, चलिए तो इसके लिए लूप लगाएंगे यहां पे कि 4i = चलेगा 1 to 10, और यहां पे आएगा नेक्स्ट आई। तो जैसे हम इसको रन करेंगे, इस लाइन ऑफ ये पूरे इस एरिया को 10 बार कॉपी पेस्ट कर देंगे, 10 बार कॉपी पेस्ट कर दिया। तो इसका इस्तेमाल हम लोग जो है लूप का करते हैं। तो लूप का बेनिफिट समझ में आया अली जी, संदीप जी और नरेश जी, कि लूप का बेनिफिट क्या है? जी सर। तो लूप के बारे में चलिए बात करते हैं। तो लूप बेसिकली जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है फोर लूप और दूसरा होता है हमारे पास डू लूप। फोर लूप के दो पार्ट होते हैं, 4i उसको हम इंटीजर कहते हैं और फोर दूसरा होता है एच। ऐसे डू के जो लूप होते हैं वाइल होता है एंड एक होता है अंटिल, राइट? तो इंट क्या है कि इसमें आपको देना होता है कि भाई कहां से स्टार्ट होगा और कहां पे खत्म होगा। इच में क्या होता है, इसमें आपको देना होता है ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। एंड वाइल पे देना होता है कंडीशन कि भाई लूप कब तक चलता है, ठीक है? तो इन सबको बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 4i 4 int के बारे में हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पे सेल्स का लिखता हूं और इसको नीचे तक हम ड्रैग कर देते हैं, ठीक है? 4 int और इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। अब मुझे इसमें जो लिखना है, देना है, वो देना है इंसेंटिव INC। क्या देना है कि अगर वो 0 से बड़ा हुआ, सॉरी लेस देन 40 हुआ तो 500 एंड ग्रेटर देन 40 हुआ तो 2000। तो इसके लिए हम यहां पे कोड क्या लिखेंगे, देखिए इट्स सब्जेक्ट INC ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके बाद यहाँ पे हम बेसिकली करना है क्या, हमें हमें इस पे कंडीशन लगाना है, मतलब रेंज 2 पे। तो यहां लिखा हमने रेंज A2, कंडीशन चेक करना है ना, इफ डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन
greater than or equal to 40, then range V2 dot value equal to 500, else 2000. हमने कंडीशन लगा दिया और यहां पे हम एंड केस कर दिया। तो अब क्या है कि ये जो वर्क करेगा सिर्फ वन टाइम करेगा, सिर्फ एक बार करेगा, लेकिन मुझे इसको हर एक सीट पे कराना है। तो हम लूप लगाते हैं कि फोर आई इक्वल टू चले टू टू कितना 43। हम टू से क्यों लिए, क्योंकि पहला जो है हेडिंग है तो हमें टू से 43 करना है। अगर हम वन से भी करेंगे तो वन से मुझे यहां पे 43 नहीं, यहां पे 42 ही लेना पड़ेगा, लेकिन इसलिए हमने टू से किया क्योंकि हमें चेक कितना रिपीट करना है, 42 बाई करना है ना। तो टू से 42 हुआ 43 हुआ तो 42 ही हुआ और यहां पे हमने कर दिया नेक्स्ट आगे। तो क्या ये परफॉर्म करेगा? ये परफॉर्म नहीं करेगा। परफॉर्म क्यों नहीं करेगा? इसका रीजन ये है कि जो हमने रेंज यहां A2 डाला है, ये हर बार A2 फिक्स हो जाएगा। तो मुझे अब फर्स्ट एक बार चेक करेगा तो A2 होना चाहिए, सेकेंड बार चेक करें तो सेकेंड टाइम क्या होना चाहिए। तो जब लूप चलता है तो I क्या है, ये जो I आप देख रहे हैं ऊपर भी हमने I इस्तेमाल किया हुआ है, तो I को हम बोलते हैं काउंटर। एक काउंट रखता है अपने पास, एक वेरिएबल है, एक तरह का डेटा टाइप है। एक काउंट रखता है कि आई जो है कितना टाइम चल चुका है, फोर जो है कितना टाइम चल चुका है। जो पहला बार चलेगा, अगर मैं इसको स्टेप इनको यहाँ पे डिबग में जाके स्टेप इनको इसका शॉर्टकट एफ8 होता है उसको रन करूंगा, देखिए क्या होगा। अब मैं एफ8 प्रेस कर रहा हूं तो एक कॉपी कर लिया पेस्ट किया, मैंने गलत ही सीट पे चले गए यहाँ पर। एफर्ट किया हमने, कॉपी एफर्ट किया, एफर्ट करने के बाद आई पे कर्सर रखिए तो आई इक्वल टू वन। तो आई एक वेरिएबल है जिसका एक वैल्यू है वन। जैसे कॉपी करके नेक्स्ट हुआ, नेक्स्ट वापस भेजेगा तो देखिए आई अपने अंदर इंक्रीज कर दिया। क्यों? क्योंकि लूप फोर जो है ये दूसरा बार चल रहा है, इसलिए आई जो हो गया टू हो गया। अभी भी आई टू ही है, फिर जैसे आगे बढ़ेगा आई जो है यहां तीन हो जाएगा, वो चार हो जाएगा। तो वेरिएबल्स अपने आप को चेंज करते हैं। तो यहां पे हमें इसी 2 को 1 3 4 5 6 7 आगे की तरफ इंक्रीज करना है, तो मैं इसी के साथ इसको कॉन्केटनेट कर देता हूं आई, इसके साथ भी कॉन्केटनेट कर देता हूं आई। समझ में आ लीजिए, एक कॉन्केटनेट का जो कंसेप्ट है समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। हाँ, एक कंसेप्ट समझ में आ गया ना आपको? क्लियर सर। हाँ सर। चलिए, तो एक कंसेप्ट, अब मैं इसको रन करूंगा तो यहां पे सी टू पे जितने भी वैल्यू है उसको देखिएगा आप कि सबको इंसेंटिव दे देगा विद इन क्लिक में।
समझ गया। अब इसमें एक चीज और है कि 43 तो फिक्स नहीं है ना, अगर मुझे इसको फिक्स करना हुआ तो यहां पे आप दे सकते हैं कि रेंज 65,000 .and xls up .dot रो। तो ये क्या करेगा कि सबसे लास्ट का रो नंबर दे देगा, तो ये डायनेमिक हो जाएगा, ठीक है। तो सेल पे इसको इस तरह से हम परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं शीट्स के ऊपर, मेरे पास कई सारे शीट्स हैं, मैं चाहता हूं हर शीट का नाम चेंज कर, तो उस केस में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहां पे सब्जेक्ट आर आर सॉरी शीट एन एस एन के नाम से, और यहां पे मैं देता हूं कि 4i = चले 1 2। अब मुझे नंबर ऑफ शीट कितना है ये नहीं पता, तो मैं यहां पे लिख दूंगा शीट्स डॉट काउंट, और फिर यहां पे करूंगा नेक्स्ट आई, और अब मैं बोलूंगा कि शीट्स, और शीट में हमने आई लिखा और डॉट नेम इक्वल टू हम कर देते हैं कि डेटा उसके साथ कंबाइंड आई डेटा 1 2 3 4 5, समझा लीजिए। तो ये आई लगता है यहां पे आई सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ऐसे ही आपको अगर जितने भी शीट्स है सारे शीट्स के अगर कुछ करना हो तो इस तरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, राइट। गुड डाउट सर। सर इसमें सारा शीट्स का नेम डाटा आता क्या? डेटा 1 2, क्योंकि सारा शीट का नाम डेटा नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक शीट में एक फाइल के अंदर सेम नाम के एक दो शीट नहीं हो सकते। तो मैंने इसके साथ आई को कंबाइन किया है ना, आई क्या होगा जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो 1 हो जाएगा, सेकेंड टाइम में 2 हो जाएगा, थर्ड टाइम में 3 हो जाएगा, तो कंबाइन हो जाएगा तो डेटा 1 डेटा 2 डेटा 3 इस तरह से। यस सर। समझ में आ गया? क्लियर है सर। अब जैसे कि नेस्टेड इफ था उसी तरीके से नेस्टेड लूप भी होता है। तो चलिए नेस्टेड लूप के बारे में हम जानते हैं। तो अब बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमें यहां पे इस तरह से लिखना है कि 1 2 3 4 5
6, 7, 6 तक, और फिर यहां से 7, 8, 9 यहां भेजना है इस तरह से, समझे। तो इसके लिए क्या करेंगे, चलिए मतलब मुझे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों पे चलना है, तो यहां पे सब्जेक्ट एनएल मिस्टर लो, क्या लगेगा, ओ आई चले 1 to 10 एंड अब आई जो हो जाएगा ना रो हो जाएगा, इसको रो कर देते हैं आर, हम यहां पे आई की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू मतलब की और फिर 4 सी इक्वल टू 1 to 6 सेल्स, सेल्स में आर रो हो जाएगा सी कॉलन हो जाएगा एंड डॉट वैल्यू इक्वल टू, अब यहां पे गिनती चलानी है तो मैं यहां पे ये करता हूं कि टी इक्वल टू टी प्लस 1 और यहां पे दे, नेक्स्ट सी और यहां पर जाएगा हमारा नेक्स्ट, ठीक है। तो देखिए इसको रन करिए, ठीक है, तो 10 रो चला और 6 कॉलम, तो इस कोड में कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं सर, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ सर, यस सर, अब इससे एक अभी तो मैं छोटे मोटे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, चलिए एक प्रोजेक्ट करते हैं इसी से रिलेटेड, नेस्टेड लूप से ही रिलेटेड हम एक प्रोजेक्ट करते हैं। कुछ जैसे इंटरव्यू में पूछे जाने कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि स्टार मुझे इस तरह का चीजें बनाना है, पिरामिड टाइप का कुछ बनाना है, ठीक है। हेलो, तो मुझे इस तरह का आकृति बनाना है, तो कैसे बनाना है? तो 4 यहां पे से सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट अब लिखा 4 आई इक्वल टू 1 टू
फाइव, क्यों? कि आई को मान लीजिए, मान लीजिए आई है, हमने आई को आर कर लीजिए, आर फॉर कॉलम रो, तो हमने देखा कि हमारा जो पिरामिड है, इसमें यहाँ जो हमने पिरामिड देखा था उसमें पांच रो है और कॉलम जो है मैक्सिमम पांच है, लेकिन इससे रो वन हुआ तो कॉलम एक ही रहेगा, रो टू हुआ तो कॉलम टू रहेगा, रो थ्री हुआ तो कॉलम थ्री रहेगा, जितना कॉलम उतना रो यहाँ पे चेंज हो रहा है, जितना कॉलम उतना रो। इसलिए यहाँ पे देखेंगे हम कि फोर आर सॉरी सी इक्वल टू चले वन टू आ फिर सेल्स आर कॉमा सी डॉट वैल्यू इक्वल टू स्टार। नेक्स्ट सी और इमे नेक्स्ट आ ठीक है। अब इसको मैं यहां से डिलीट करता हूं, ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ओके ओके राइट राइट, ये तो स्टार्टिंग से है, मान लीजिए मुझे इसको यहां से स्टार्ट करना है तो क्या करेंगे, मतलब कि मुझे एक से नहीं, मुझे पांचवें रो से स्टार्ट कॉलम से स्टार्ट करना है। तो कुछ नहीं, यहां सी प्लस फाइव कर दीजिए और फिर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे ये पांच में से स्टार्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, जैसे ये उल्टा गया है ना ऐसे इधर की तरफ भी आना चाहिए, तो इसमें सेम रहेगा, बस इसमें एक और हम यहां पे कॉपी करके पेस्ट करते हैं। अब यहां पे हम कर देते हैं कि सिक्स माइनस सी, ये आपका पिरामिड बनेगा। तो कैसे समझ में आया, कुछ डाउट इसमें आप लोगों को? चिल्लर ले ना करोड़ा जी, नहीं नहीं अली जी समझ में आया आपको? जी सर। तो पिरामिड को इसी तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको नेस्टेड लूप भी समझ में आ गया होगा कि नेस्टेड लूप क्या करता है। तो दो या दो से अधिकतर लूप को आप अपने एक्सेल में इस्तेमाल कर सकते हो क्या? नरेश जी, अली जी एंड संदीप जी। यस सर। जी सर समझा दोनों। चलिए अब हम बताते हैं आपको फोर एच लूप, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि फोर आई लूप जो कि आपको समझ में आ चुका है, अब बात करते हैं फोर एच लूप की, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के बेस पे चलता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लाइक मैं यहाँ पे ये नहीं देना चाहता कि कितना रो और कितना कॉलम है, यार कहां से स्टार्ट होना है कहां पे खत्म होना है, मैं ये बोलना चाहता हूं कि मेरा जो लूप चलेगा वो जितना सिलेक्टेड कॉलम एरियाज है, यूजर ने जितने सेल्स को सिलेक्ट कर रखा है उतने पे ही चलना चाहिए। ठीक है, यूजर ने जितना एरिया सिलेक्ट कर रखा है वो सिर्फ उतने ही एरिया पे वर्क करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए तो सब
ईच लूप। अब यहां पे सबसे पहले लिखेंगे विम आर एज ए रेंज, हमें एक रेंज डिफाइन करना पड़ेगा। हमने बोला डिम आर एज ए रेंज, तो आर क्या हो गया, एक रेंज हो गया। उसके बाद मैं लिखता हूं कि फोर इच आर इन सिलेक्शन। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक आर में जाएगा जो कि सिलेक्टेड। आर क्या है, एक रेंज है, हर एक सेल को हमें रीड करना है जो सिलेक्टेड है। ठीक है, फिर यहां पे कंडीशन दीजिए कि इफ, जो भी चीज देना है आपको, इफ आर डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 देन आर, अगर ये इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू बेबी रेड इन ब्लू, और यहां पे नेक्स्ट आर, उससे पहले एंड इज करना पड़ेगा। हेलो सर, हाँ नीरज जी, कैसे लूप चल रहा है सर? किस टॉप लूप चल रहा है सर, इन्फॉर्म नहीं किया आपने। तो लग रहा है मुझे गलती होगी मुझसे, कोई बात नहीं, मैं इसकी रिकॉर्डिंग ले दूंगा। और ये जिससे अली जी की क्लास की, मैं उनको लूप पढ़ा रहा था, आप लोगों को भी लूप पढ़ाना था, तो सडनली याद आया मुझे कि आप लोगों को भी लूप पढ़ाना है, इसे मैंने मेल कर दिया। जो लोग आ जाएंगे और लूप पढ़ जाएंगे, फिर मैं उसको जो आपके क्लास में कवर करूंगा तो रिपीटेशन हो जाएगी। अच्छा अच्छा, करेंगे ना कवर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, अचानक लैपटॉप खुला देख लिया मैंने, कोई बात नहीं। तो जैसे मैं इसको रन पे क्लिक करूंगा, तो सिलेक्टेड एरिया में ही लूप हमारा चला, इससे बाहर नहीं चला। ठीक है अली जी? सर ये फोर इच लूप फिल्ड अपना, अगर डेटा अगर फिल्टर रहेगा तो भी करेगा क्या? हाँ, सिलेक्टेड पे चलता है। नहीं, अगर डेटा अगर फिल्टर किया हुआ है, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फिल्टर डेटा जब करेगा तो उसके अंदर भी करेगा कि बाहर भी करेगा, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं, आप एक बार टेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है सर, तो मैंने कभी किया नहीं तो मैं आपको गलत क्यों बताऊं सर, आप ट्राई कर लीजिए, ट्राई करके मुझे बता दीजिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा, तो मैं नेक्स्ट किसी स्टूडेंट अगर कुछ ऐसा पूछता है तो मैं उसको पूरा एकदम क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलूंगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या हो सकता है। ठीक है, तो एक तो ये होता है कि आपका सिलेक्शन, मतलब कि जो यूजर सिलेक्ट करके रखेगा उस पे चलेगा, जरूरी नहीं कि सिलेक्शन ही हो, आप रेंज को फिक्स कर सकते हो कि मैं चाहता हूं कि A1 से लेकर चले G12 तक, तो मैं यहां पे सिलेक्शन की जगह पे मैं लिख सकता हूं रेंज A1 से लेके G12। ठीक है, तो आप जो है एक तो सिलेक्शन तो दे ही सकते हो, साथ में आप दे सकते हो इसको एक रेंज, रेंज होना चाहिए, समझ गए? अब एक चीज और है कि फोर इच, मैंने जैसे बताया कि फोर इच चलता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रेंज पे चले, ये सीट पे भी चल सकता है, वर्कबुक पे भी चल सकता है, और आपके एरे पे भी चल सकता है। ठीक है, अब कैसे चलेगा, चलिए इसकी एग्जांपल बताता हूं। एक मिनट दीजिए सर,
ओके तो हम बात करते हैं एरे की सबसे पहले। अब एरे के बारे में भी जान लीजिए, ऐसे तो मैं आगे बताऊंगा एरे के बारे में, फिर भी आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं कि एरे क्या होता है। तो पहले एरे के बारे में जानिए, फिर हम सीखेंगे उसके अंदर ईच लूप लगाने। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा कि डिम आर एज ए स्ट्रिंग स्ट्रिंग, और मैं r इक्वल टू मान लीजिए यहां पे फिफ्टी एट डाल दिया, ठीक है। अगर मैं दोबारा r इक्वल टू 65 डालू तो क्या होगा कि 65 58 65 से रिप्लेस हो जाएगा क्या। तो मान लीजिए मुझे सेम डेटा टाइप पे सेम कास्ट के तकरीबन बहुत सारे डालना है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि 1 to 10 एज ए हमने दे दिया लॉन्ग। तो अभी क्या हुआ कि r जो है 10 वैल्यू को ले सकता है, 11 वैल्यू को, हाँ 10 वैल्यू। तो यहां पर हो जाएगा r 0 इक्वल टू 45, r 1 इक्वल टू 85, r इक्वल टू 96। इस तरह से हम आर पे जो है कई सारे वैल्यूओं को स्टोर कर सकते, इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो कभी मान लो कहीं से कोई डेटा लेना हुआ, एक पूरा टेबल का डेटा लेना हुआ, तो इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो उसको अब हमें इसको मान लो कि स्ट्रेक करना हो कि आर पे ऑलरेडी तीन वैल्यू है, स्ट्रेक करना हो तो कैसे करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे कि फोर इच आइटम इन आर, ठीक है, फोर इच आइटम इन आर। ठीक है, और यहां पे मान लीजिए कि मुझे अगर वैल्यू मैसेज बॉक्स में देना है एम एस जी बॉक्स, और यहां पे आइटम, और फिर यहां पे नेक्स्ट आइटम, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं तो आपको पता चलेगा। अच्छा हाँ, जीरो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वन से स्टार्ट है ना, वन से स्टार्ट है इसलिए जीरो नहीं हो सकता। अब चलेगा 65, 85, 96, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कहीं से पूरा टेबल, इसका यूज हम लिस्ट बॉक्स में ज्यादातर करते हैं। जब लिस्ट बॉक्स लेते हैं तो एक लिस्ट बॉक्स लेना है, वापस लिस्ट बॉक्स पे देना है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादा लेते हैं। तो एरे के साथ समझ में आ गया आप लोगों को, हेलो सर। सर इसका यूज क्या है, समझ में एकदम नहीं आया इसको यूज क्या है। मैंने क्या बताया, एरे तो है बट यूज क्या है। एरे जैसे कि एक मान लीजिए ना, आपको 150 वैल्यूज लॉन्ग की इंस्टॉल कर दी है, तो क्या आप 150 वेरिएबल बनाओगे। नहीं बनाओगे। मान लो अभी तीन ही देख रहे हो ना, मुझे तीन बनाने थे, अगर मैं इसका इस्तेमाल ना करता तो मुझे यहाँ पे तीन लाइन में लिखना पड़ता है कि डिम आर एज ए लॉन्ग, फिर डिम यहाँ पे आर वन, यहाँ पे कोई और वेरिएबल देना पड़ता टी एज ए लॉन्ग, ऐसे लिखना पड़ता ना। तो दो तीन तो लिख लोगे, लेकिन जहां पे 10-20 हो और सारे लॉन्ग कैटेगरी के ही हैं,
उस केस में एरे लेते हैं और इस तरह से स्टोर कर लेते हैं, समझ गए? अच्छा, अब जो आप स्टोर कर लिया, अब जो आपने स्टोर किया है उसको कहीं भी आपको आउट करना है एक ही बार में साथ। अगर एक दो करना है तो आप अलग कर सकते हैं, मान लो कि आपको एक दो करना है, यहाँ आप सिंपल लिख सकते हो कि MSG box, यहां पे दे दोगे R3, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूं कि R पे जितना भी स्टोर है 100-200 सबको बाहर करना है, मैसेज रूप से या किसी रेंज पे प्रिंट करना है। तो उस केस में इस फोर इस का मैं कट कर यूज करते हैं कि मुझे अगर किसी रेंज पे करना हो तो रेंज A1 A65000 डॉट एंड x/up डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू आई, समझ में आया? हेलो सर, इसको एक बार रन कर ही ना। हाँ सर, आ गया। लीजिए रन कर देता हूँ मैं, देखिए। ठीक है, ओके। अब जैसे कि वर्कबुक है, मुझे अगर सारे वर्कबुक में करना हो तो वर्कशीट में, तो यहाँ पे डिम सब इच लूप अंडरस्कोर 3 ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे करते हैं डिम के एज ए वर्क वर्कशीट। तो फोर इच के इन एक्टिव वर्क वो, समझे? और के डॉट टैब डॉट कलर इक्वल टू लिविंग वो, और नेक्स्ट ठीक है। तो मान लीजिए कि जैसे हमने यहां पे लूप लगाया था, ये कहां गया, सीट का नेम चेंज करने का लगाया था ना, ये रहा। यस सर, तो इसके जगह पे ये जो हमने इधर कोड किया था, तो इसके जगह पे हम ऐसा भी कर सकते थे कि डिम के एज ए वर्कशीट, ठीक है, एंड फोर इच के इन वर्कशीट, वर्कशीट्स करना पड़ेगा, ध्यान रखिए यहां पर हमने वर्कशीट्स लिख सकता, सिर्फ वर्कशीट नहीं है, वर्कशीट, ठीक है। यहां पे ऊपर वर्कशीट करना पड़ेगा और यहां पे आपको वर्कशीट्स करना पड़ेगा, राइट? वर्कशीट्स, और यहां पे आई इक्वल टू आई प्लस 1 एंड के डॉट नेम इक्वल टू डेटा समान आई
और नेक्स्ट। तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें सीक्वेंस नंबर तो इंक्रीजेबल नहीं मिलेगा ना, यहां तो ऊपर इसलिए मिल रहा था क्योंकि आई फोर का पार्ट था, ये चेंज होता है, बट इसमें तो चेंज नहीं होगा, तो इसलिए हमें यहां पे मैनुअल लेना पड़ा। ठीक है, अली जी को डाउट्स में एक बार इसको रन करना, एक बार इसको नहीं होगा रन सर, ये ऊपर दो दो मैक्रो कैसे रन होगा, इसको अलग करना पड़ेगा ना, सेम थिंग है, रन करने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, हो गए, यहाँ पे रन किया ना आपको मैंने, यहाँ देख यहाँ तो कलर कर दिया था ना, आप कलर की जगह पे नेम कर दीजिए, वर्क तो करना ही है इसको क्या सर। समझ गए सर, ठीक है सर, आप वर्कबुक की बात करें कि अगर मुझे वर्कबुक में करना तो क्या, तो वर्कबुक पे भी ऐसे ही होगा, लेकिन वर्कबुक उतना यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल हमको आपको डू व्हाइल लूप के बारे में बताएंगे। ठीक है सर, वो मेरे को 9 to 10 का वो नहीं आ रहा सर, प्लीज सर वो देखो ना आज। हाँ अभी आपको मिल जाएगी, अभी मैं वर्क कर रहा है और मैंने सारे वीडियो भी अपडेट कर दिए हैं, तो अभी मैं आपको थोड़ी देर भेज देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। अरे ये वीडियो ड्राइव में डाल दो, मैं देखता हूँ, डाल देता हूँ। ठीक है, थैंक यू, ठीक है सर।